बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी OMSS के तहत आटा मिलों जैसे थोक उपभोक्ताओं के लिए FCI स्टॉक से अगले साल 15 से 20 लाख टन गेहूं जारी करने पर विचार कर रही है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 27 दिसंबर को गेहूं का औसत खुदरा मूल्य 32.25 रुपये प्रति किलोग्राम था, जो कि एक साल पहले की अवधि में 28.53 रुपये प्रति किलोग्राम हुआ करता था। गेहूं के आटे की कीमत में भी एक साल पहले के 31.74 रुपये प्रति किलोग्राम की तुलना से इस साल 37.25 रुपये प्रति किलोग्राम देखने को मिला है। OMSS नीति के तहत सरकार समय समय पर बड़े उपभोक्ताओं और निजी व्यापारियों को खुले बाजार में पहले से निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न, विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए राज्य द्वारा संचालित भारतीय खाद्य निगम को अनुमति देती है, और इसका उद्देश्य मंदी के मौसम के दौरान सप्लाई को बढ़ावा देना है और सामान्य खुले बाजार की कीमतों को कम करना है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार नोडल खाद्य मंत्रालय ने गेहूं के लिए 2023 के लिए एक OMSS नीति पेश की है, और OMSS नीति के तहत थोक उपयोगकर्ताओं के लिए FCI से 15 से 20 लाख टन गेहूं जारी करने की योजना है। पिछली दो फसलों में उगाए गए गेहूं को FCI के स्टॉक से जारी किया जाएगा और अभी रेट तय इसका नहीं किया गया है। OMSS के तहत गेहूं जारी किए जाने की संभावना भरपूर है, क्योंकि सरकार खाद्यान्न के भंडार की स्थिति को लेकर सहज है और इसके अलावा नई गेहूं की फसल की संभावना अच्छी दिख रही है। यहां तक कि आटा मिलों ने खुले बाजार में गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए सरकार से FCI गोदामों से गेहूं के स्टॉक को बाजार में उतारने की मांग भी की है। 15 दिसंबर तक करीब 180 लाख टन गेहूं और 111 लाख टन चावल उपलब्ध किया गया था। नई गेहूं फसल की खरीद अप्रैल 2023 से शुरू होगी, लेकिन आने वाले साल में सरकार जल्द ही FCI से खुले बाजार में गेहूं निकाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।